हेलो मेरी किचन मास्टर, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। तो दोस्तों, मैं बनाने जा रही हूँ वेज एग कढ़ी। ये रेसिपी कैसे बनता है, इसमें क्या क्या मिलाया जाता है, वीडियो में सभी बातों को मैं शेयर की हूँ। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आप भी वेज एग कढ़ी आसानी से अपने घर में बना लेंगे। तो देर किस बात की, चलिए फटाफट बनाते हैं। तो दोस्तों, मैंने लिया है एक कटोरी बेसन। आप सबसे पहले बेसन लीजिए, बेसन को छानकर उसके बाद इस्तेमाल करना है। तो मैं गैस पे चढ़ा दी हूँ पैन। पैन गरम हो गया है, उसके अंदर मैं बेसन को भून रही हूँ। तो दोस्तों, इसमें तेल घी का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको ऐसे ही बेसन को भूनना है। आप मध्यम आँच पे आराम आराम से बेसन को भूनें। आप सोच रहे होंगे कि मैं बेसन क्यों ली हूँ। तो दोस्तों, एक के अंदर का जो पार्ट होता है येलो कलर का, उसी को मैं तैयार कर रही हूँ। तो दोस्तों, आप बेसन को आराम आराम से भूनें। जब इसमें से खुशबू आने लगे तो आप समझ जाइए कि आप बेसन सही तरीके से भून लिए हैं। तो आप गैस को ऑफ कर दीजिए। अब चलिए आगे की तैयारी करते हैं। बेसन सही से भून गया है, जब तक ये ठंडा होगा तब तक आगे का काम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो एक का बाहर वाला पार्ट होता है, वाइट वाला, उसको बनाना है। तो उसको बनाने के लिए देखिए मैं क्या क्या इस्तेमाल कर रही हूँ। अंदर वाला पार्ट के लिए तो मैं बेसन भूनी हूँ। अब आप पनीर को कद्दूकस करें। अगर आपके घर का पनीर है तो आप इस्तेमाल करें, घर का पनीर नहीं है तो आप मार्केट वाला पनीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पनीर ताज़ा होना चाहिए। ये पनीर मैं घर पर ही दूध से निकाली हूँ। अब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें बॉयल किया हुआ आलू। तो ये छोटा छोटा आलू है तो मैं तीन आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपका आलू बड़ा है तो आप एक ही आलू इसमें डालें। दोस्तों, दो भाग डालना है आपको पनीर, उसमें एक भाग डालना है आलू। देखिए, मैं आलू को कद्दूकस कर रही हूँ। तो आलू बिल्कुल ठंडा हो गया है, कभी भी गर्मा गर्म आलू का इस्तेमाल नहीं करना है। आप बॉयल करके रख दीजिए ठंडा होने के लिए, उसके बाद इस्तेमाल करें। ये मैं इसमें डाल रही हूँ दोस्तों, दो चम्मच भर के मैदा। आलू, मैदा, पनीर, इन तीनों को सही से मिक्स करना है। आप इसमें डालिए एक चुटकी नमक। दोस्तों, मैं नमक डालते वक्त वीडियो ऑन नहीं की थी, मैं भूल गई थी दोस्तों, तो सॉरी। आप नमक को ना भूलें, आप डालकर सही से मिक्स करें। तो दोस्तों, जब तक ये आटे की जैसे डो तैयार ना हो तब तक आपको मैश करते रहना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका डो बहुत गीला हो गया है तो आप उसमें एक चम्मच और मैदा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसमें तीन चम्मच मैदा का इस्तेमाल की हूँ। इससे ज़्यादा मैदा ना डालें, अगर इससे ज़्यादा डालेंगे तो जब आप एक को तलेंगे तो फटने लगेगा। देखिए, बिल्कुल आटे की तरह मैं डो को तैयार कर ली हूँ। अब चलिए आगे की तैयारी करते हैं। इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। ये मैंने लिया है एक बड़ा सा बर्तन। अब इसमें फटाफट डालना है आपको बेसन को, जो आप बेसन भून के रखे हैं। ये बिल्कुल ठंडा हो गया है तो ठंडा करने के बाद ही इसको इस्तेमाल करना है। तो इसमें आप डालिए थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी। दोस्तों, हल्दी आप नहीं डालेंगे तो अंडा का जो बीच वाला पार्ट है वो येलो रहता है, तो येलो कलर के दिखने के लिए आपको इसके अंदर हल्दी इस्तेमाल करना होगा। अब देखिए, मैं इन सब को मिक्स कर रही हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा गीला नहीं डो बनाना है, बीच वाले पार्ट वाला जो होता है थोड़ा टाइट ही होता है, तो आप ज़्यादा गीला कर देंगे तो सही नहीं लगेगा। अब चलिए फटाफट एग बनाया जाए। तो आप इसे बॉल कट कीजिए बड़ा बड़ा। देखिए, मैं कितना बड़ा बड़ा बॉल कट कर रही हूँ, बिल्कुल आपको ऐसे ही कट करना है। देखिए दोस्तों, आप छोटा छोटा बॉल बनाएंगे तो आपका एग छोटा छोटा बनेगा। अगर आपको एग का शेप देना है तो बड़ा बड़ा बॉल बनाना पड़ेगा। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है दोस्तों, बहुत मज़ा आता है एग बनाने में। आप अगर एक बार बना लेंगे ना तो बार बार बनाएंगे। ये तो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है लेकिन बनाने में भी मज़ा आता है। तो दोस्तों, 6 एग मैं तैयार करूँगी।
अब आपको क्या करना है, 6 इसको भी बनाना है, तो बिल्कुल छोटा छोटा अब गोल शेप देना है। देखिए अभी मैं आपसे बनाकर उसके बाद दिखाती हूँ। लग रहा है ना कि एक के अंदर वाला पार्ट है, तो बिल्कुल वैसे ही आपको सभी कामों को करना है। अब चलिए आगे मैं दिखाती हूँ आपसे कि इसके बीच में कैसे फिल किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप लिट्टी बनाने के लिए, सत्तू भरने के लिए ऐसे गोल करते हैं ना, वैसे ही करके इसके अंदर डालकर आपको साइड से ऐसे फोल्ड कर देना है, और फिर अपने हाथों से इसे चारों तरफ से ऐसे ऐसे घुमा देना है, तो ये बिल्कुल एक का शेप आ जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों आप, मैं कैसे शेप दे रही हूँ, बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। आप चाहे तो इससे भी अच्छा शेप दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है दोस्तों, आप कैसे शेप देना चाहते हैं। देखिए अब इसे जिस बर्तन में रखना है, उस बर्तन में आप मैदा डालकर इसको मैदा में कोट करके उसके बाद ही रखें। ऐसे रखेंगे तो ये चिपक जाएगा बर्तन के अंदर। पूरे एक को मैंने तैयार कर लिया है, अब चलिए इसे तला जाए। तो दोस्तों मैं गैस पे चढ़ा दी हूँ कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर मैं डाल रही हूँ तेल, आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं उस तेल में तल सकते हैं। दोस्तों इसे तलने में ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा मैं इसलिए डाली हूँ कि एग सही से डूब जाए। अगर सही से डूबेगा नहीं तो फिर कैसे तलेगा। तो दोस्तों आप थोड़ा सा इसमें मिश्रण डालकर चेक कर लेंगे आपका तेल गर्म हुआ है कि नहीं। तेल जब सही से गर्म हो जाए उसके बाद ही एग को डालें। तेल सही से गरम हो गया है, अब मैं बारी बारी से एक एक करके डाल दे रही हूँ। तो दोस्तों एक बार में ज़्यादा ना डालें, आप 3 या 4 डालें, अब अपनी कढ़ाई के हिसाब से। अगर आपका कढ़ाई बड़ा है तो आप एक बार में तल सकते हैं, छोटा है तो 3 ही डालें। अब देखिए दोस्तों, जब ये एक तरफ से हल्का सा सिक जाए तो आप इसे उलाट पलाट करके पका सकते हैं। दोस्तों आप बिल्कुल मत डरिए कि ये टूट जाएगा या कच्चा रह जाएगा, बस आपको ध्यान देना है कि गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रहे, हाई फ्लेम पे नहीं तलना है। हाई फ्लेम पे तलेंगे तो ये ऊपर से तो दिखने में तल जाएगा लेकिन अंदर से कच्चापन रह जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों इसका कलर बहुत ही बढ़िया आया है। आप देखिए मैं चारों तरफ से आपको दिखा रही हूँ, मुझे तो बहुत ही मज़ेदार लग रहा है दिखने में। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको एक जैसे ये दिख रहा है कि नहीं। तो देखिए मैं पैन चढ़ा दी हूँ गैस पे, तेल 1 चम्मच डाली हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला। गरम मसाला में छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लवंग, ये सब मैं फ़ौरन में डाली हूँ। उसके बाद में डाली हूँ 1 लहसुन का गांठ, उसका छिलका हटाकर उसके बाद में इस्तेमाल कर रही हूँ। अब आपको इसमें डालना है 2 बड़ी प्याज कट करके, इन सबको आपको भूनना है, हल्का भूनना है दोस्तों, इसे गलाना नहीं है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए दिखा रही हूँ कि वीडियो लंबा ना हो जाए दोस्तों। अब आपको डालना है इसमें कटी हुई टमाटर, इन सबको आप हल्का भून लीजिए। देखिए दोस्तों इसका कलर हल्का चेंज हो गया है, हाफ फ्राई हो गया है, तो मैं गैस को ऑफ कर दी हूँ। अब इसको ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद आपको बनाना है इसका पेस्ट। तो मैं जार के अंदर डाल रही हूँ, ये ठंडा हो गया है, उसके बाद गर्मा गर्म ना डालें। तो दोस्तों अगर आपका जार पुराना है तो आप 1 चम्मच पानी डालकर पेस्ट बनाएं, न्यू है तो आप ऐसे भी पीस सकते हैं। मैं इसमें इस्तेमाल की हूँ थोड़ा सा अदरक, आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से हरा मिर्च डाल सकते हैं। तो दोस्तों पेस्ट तैयार हो गया, आप चलिए फटाफट बनाया जाए। फिर से मैं पैन चढ़ा दी हूँ गैस के ऊपर, इसमें डाली हूँ तेज़पत्ता। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसाला, जो मसाला मैं पेस्ट बनाई हूँ उसको पहले डालना है, उसके बाद पाउडर डालना है। तो दोस्तों मैं जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, आप लोग थोड़ा समझ सकते हैं कि वीडियो लंबा होने की वजह से मैं जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ। तो दोस्तों अगर आपको एक बार में समझ ना आए तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। तो मसाले में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और दोस्तों लास्ट में मैं डाली हूँ इसमें पनीर मसाला।
आपके घर में चिकन मसाला है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छोला मसाला है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डालिए टेस्ट अनुसार नमक, गैस का फ्लेम लो करके आराम आराम से आप मसाले को भूनिए। जब तक मसाले का कलर चेंज ना हो जाए, सही से भुने ना, तब तक आपको पानी इस्तेमाल नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मसाला का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। आप अपने हिसाब से ग्रेवी रखिए, आपको जितना रखना है उस हिसाब से पानी डालें। पानी डालने के बाद आप इसे ढक दीजिए। जब तक इसमें सही से उबाल ना आए तब तक आपको एक को नहीं डालना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सही से ग्रेवी पक गया है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ एग। अब इसको डालकर आपको कम से कम 5 मिनट पकाना है मध्यम आंच पे। दोस्तों ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है, ऐसा नहीं है कि ये हार्ड होगा, मैं आपसे लास्ट में दिखाऊंगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक कढ़ी तैयार हो गया है। तो मैं इस पे डाल रही हूँ कटी हुई धनिया पत्ता। अब चलिए फटाफट परोसा जाए। तो ये ठंडा हो गया है, मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करती हूँ, करने के बाद मैं आपसे दिखाऊंगी। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा एक कढ़ी का रेसिपी आप सबको कैसा लगा। दोस्तों बहुत मेहनत लगा है इसे एडिट करने में, तो देख सकते हैं आप, मैं कट करके दिखाती हूँ, ये बिल्कुल सॉफ्ट बना है।